Mumbai AC local trains may see a fare reduction within a month. As per sources, Indian Railway Board is considering a new fare chart for AC locals in the city. Despite Mumbai local trains being overburdened with commuters, there are very few takers for the AC locals. And in an AC local, on an average, around 200 passengers travel daily for the regular trains. And there are about 2,000 passengers who travel on an average per train. So high price of fares and low frequency of the AC trains are some of the factors which lead to the low footfall. However, railway authorities also say that the situation has improved recently. Earlier, only 55 passengers used to travel per train, and now around 200 passengers use this service. राहत के बाद बार बार बोलती है हमारे हमने देखा रेलवे बोर्ड भी बोलता है कि अच्छा रहेगा आप एसी में ट्रैवल कीजिए लेकिन ये मुमकिन है क्या नहीं मुमकिन तो कैसे होगा क्योंकि फेयर के हिसाब से देखा जाए फर्स्ट क्लास का और इसके काफ़ी डिफरेंस है वन रूट का अगर हम 55 किलोमीटर का 180 रुपीज़ है और फर्स्ट क्लास का 70 रुपीज़ है तो वो काफ़ी डिफरेंस है तो अफोर्डेबल नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं यार उसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है मैडम लोकल ट्रेन का घंटे में एक आध हो पता नहीं अभी एसी लोकल आ चुका है लेकिन फिर भी हम इसी का सहारा ले रहे हैं क्या वजह है क्योंकि इसका टिकट बहुत महंगा है थोड़ा कुछ कम होएगा तो उसमें भी ट्रैवलिंग करेंगे गर्मी है पीक आवर्स है कितनी तकलीफ होती है ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा और इतना क्राउड रहता है ट्रेन बहुत क्राउड रहता है थोड़ा एसी का नॉर्मली टिकट रहेगा ना तो आम पब्लिक भी अभी ऐसे ही खाली जा रहा है ट्रेन थोड़ा उसका टिकट कम रहेगा तो आम पब्लिक तो उसमें आ जा सकती है नॉर्मल टिकट का भाड़ा रहेगा तो आधे को आधा हाँ रखे ना आप लोग फुल दोनों सेम रखे तो क्या है कि ये आने का यहाँ 15 है तो उसका 30 रखे तो कैसे आदमी जाएगा अभी नॉर्मली खाली जा रहा है ट्रेन आप कम रखोगे तो पब्लिक आम पब्लिक उसमें यूज़ कर सकती वो ट्रेन